आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ 1 माइक्रोफेरेड आर जॉइंड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज पुट अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF 2 volts। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन किया और 2 volt की EMF की बैटरी से कनेक्ट कर दिया सबको। 6 है 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स। नाउ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज। ठीक है, इनको अब की बार क्या कर दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया उन्हीं चार्ज कैपेसिटर्स को। द टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि कुछ ऐसे करके ये आपका बना होगा। ठीक है, ये ऐसे 6 times रिपीटेड होगा और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक बैटरी लगी है 2 volts की, ये सब 1 microfarads के हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो टोटल चार्ज डिपॉजिटेड है, ठीक है, टोटल चार्ज डिपॉजिटेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी इंटू वी के। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे, टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी हमारी, सब पैरेलल में लगे हैं तो ऐड अप हो जाएंगे, तो 1 microfarad के 6 हैं, इसका मतलब 6 into 2 हो गया, तो Q विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 12 microcoulomb। इतना चार्ज अभी क्या हो रहा है, इन कैपेसिटर्स के पास टोटल एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम देखें तो हमें क्या पता है कि अब इन्होंने इनको क्या कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है, ये जो 12 microcoulomb का चार्ज है ये इन सब में 6 में इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, ये इक्वली डिवाइडेड है का इसका मतलब क्या है कि सबके पास 2 microcoulomb का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और इनके पास अभी वो क्या है, इनकी कैपेसिटेंस कितनी है, सबकी 1 microfarad। तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया, इसका 2 volts हो गया। ठीक है, इसका 2 volts हो जाएगा, सिमिलरली सबका 2 volts होता जाएगा। और जब सीरीज में लगी होती है कोई भी चीज़ तो हमें क्या पता है कि पोटेंशियल गेट्स एडेड अप। ठीक है, V3 एंड सो ऑन टिल V6। तो हमने क्या देखा कि एक का अगर कैपेसिटेंस 2 volts है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 into 2 हो जाएगा, तो ये आपको कितना मिल गया, 12 volts। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिल गया, 12 volts, यानी ऑप्शन डी या बी में से कोई एक सही है। अब देखते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है। अब जब हमको पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 into C into V2। ठीक है, एनर्जी का हो गया ये आपके पास, तो V तो अब हमें पता ही है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है सीरीज के केस में, तो सब 1 microcoulomb के हैं, तो 1/1 plus so on 6 times हो जाएगा, ये विल बी इक्वल्स टू 1/C हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/C विल बी इक्वल्स टू 6, यानी जो आपका कैपेसिटेंस आ रहा है वो 1/6 microfarad जा रहा है। अब उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 1/2 into 1/6 हो गया, इंटू वोल्टेज कितना है, 12 into 12, तो ये 6 2s will be 12, तो आपके पास एनर्जी भी कितनी आ रही है, ये हमने माइक्रो में यूज़ किया था यहाँ पे, तो इसलिए ये भी कितना किस में आएगी, माइक्रो जूल्स में आएगी, तो टोटल एनर्जी आपकी 12 माइक्रो जूल्स आ रही है और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 12 वोल्ट्स आ रहा है, विच मीन्स योर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।